क्या पीएम मोदी की साधना से चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन होगा? क्या है आचार संहिता का साइलेंस पीरियड का नियम और क्यों पीएम की इस ध्यान यात्रा को लेकर विपक्ष के नेताओं में इतनी उथल पुथल मची है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के बाद सीधा कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रुख किया। मकसद यहां साधना करना और करीब 45 घंटे का समय बिताना है। अब ऐसा नहीं कि पीएम ऐसा पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद पीएम ने केदारनाथ गुफा में करीब 19 घंटे तक ध्यान लगाया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसा ही हुआ जब पीएम शिवाजी के किले में ध्यान लगाने चले गए, लेकिन उस दौरान दोनों ही बार विपक्ष ने इस तरह का कोई विरोध नहीं किया जितना इस बार हो रहा है। अब यहां सवाल ये आ रहा है कि पीएम की साधना पर विवाद क्या है और विपक्ष इसे कैसे चुनाव के आचार संहिता के खिलाफ बता रहा है। अब क्या है ये साइलेंस पीरियड और क्या है इसके नियम, ये सब समझने से पहले विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनका क्या कहना है एक बार वो भी सुन लेते हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं, जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अखिलेश यादव के अलावा उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी पीएम की यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री जी घर पर ही मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है। इनके अलावा ममता बनर्जी ने भी अपनी चुनावी रैली के दौरान चेतावनी दे डाली कि अगर पीएम की इस यात्रा का प्रसारण हुआ तो टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के मौन व्रत के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो साधना बैठने की घोषणा की है वो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो 48 घंटे का साइलेंस पीरियड होता है उसमें कोई भी किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के इस सवाल का दो टूक जवाब दिया। बीजेपी ने साफ तौर पर यह बताया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अगर कोई किसी साधना पर जाना चाहता है तो इससे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि पीएम इस यात्रा में किसी भी तरह का चुनावी भाषण नहीं करने वाले हैं। इंडिया अलायंस की मानसिक दिवालियापन और व्यवस्था की कोई सीमा नहीं। अब बताइए कि 30 तारीख के बाद जब कैंपेन समाप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है तो वो वहां पर जाकर अपनी आस्था के अनुसार तपस्या करना चाहता है और मौन रख रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कांग्रेस पार्टी बुला रही है। और बताइए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कब होता है? यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, यदि कोई प्रचार प्रसार करे, यदि कोई वक्तव्य दे राजनीतिक रूप से, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन होता है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी इस बारे में विपक्षी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। अब उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको एतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। खैर, बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष तो क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ सवाल हैं जो आम जनता के मन में आ रहे हैं, जैसे कि क्या पीएम मोदी की इस यात्रा से साइलेंस पीरियड या फिर आचार संहिता का कोई नियम टूटता है? देखिए, विपक्ष की इस पूरी यात्रा को आचार संहिता के साइलेंस पीरियड के उल्लंघन से जोड़ा जा रहा है। दरअसल साइलेंस पीरियड वोटिंग के होने के 48 घंटे पहले का वो समय होता है जिसमें किसी भी पार्टी या किसी नेता को किसी भी तरह के चुनाव कैंपेन करने से रोक दिया जाता है। इस साइलेंस पीरियड में वोटर्स को 48 घंटे इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो आराम से ये सोच सके कि उसे किसे वोट देना है। ऐसे में अगर कोई पार्टी या कोई नेता इस साइलेंस पीरियड में किसी भी तरह का चुनावी कैंपेन करता है या फिर किसी भी तरह से वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो इस साइलेंस पीरियड के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि साइलेंस पीरियड के दौरान न्यूज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक के लिए कई नियम होते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी भी तरह से वोटिंग के 48 घंटे पहले तक किसी भी तरह से वोटर्स को किसी पार्टी के लिए ऐसे कुछ भी ना दिखाया जाए या कहा जाए जिससे वोटर के सिलेक्शन पर फर्क पड़े, मतलब कि वो इन्फ्लुएंस्ड हो, मतलब कि उनका वोटिंग ओपिनियन बदला ना जाए।
खैर, इस मामले में विपक्षियों के विरोध का यही एक मुद्दा है कि उन्हें लगता है कि पीएम अपनी इस साधना यात्रा के दौरान अंतिम चरण के वोटर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इसलिए वो बार बार इस यात्रा और इस यात्रा के किसी भी तरह के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। खैर, बात अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। देखना होगा कि पीएम मोदी की साधना का प्रसारण रुकवाने में विपक्ष सफल हो पाता है या नहीं। वैसे विपक्ष को जिस साइलेंस पीरियड के नियमों के टूटने का खतरा है, वो साइलेंस पीरियड क्या होता है, इसके क्या नियम है, इस मुद्दे पर हमने एक वीडियो में आपको डिटेल जानकारी दी है। यहां डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, मतलब उसका लिंक मिल जाएगा, जिसे आप अच्छे से देखकर पूरे मामले को समझ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।